नहीं मिल रहा है क्या, काम नहीं हो रहा है क्या, कहीं मिल रहा है भाई के पास? भाई की रेंजर, उसने कहा कि यार कहीं एक्सेसरीज नहीं मिल रही है। मैंने कहा आपको आपको बताता हूं, अब आप सैंस मोटरशॉप आ गए हो, अब आपको दिखाएंगे एवेंजर की बहुत हसूल एक्सेसरी, मजा आ जाएगा। बढ़िया बढ़िया एक्सेसरी क्योंकि जिन बाइक्स को लोग निग्लेक्ट कर देते हैं ना, हम उन्हें पकड़ लेते हैं, जैसे कि एवेंजर, जैसे कि डोमिनो, जैसे कि केटीएम, रॉयल एनफील्ड, तो यार बहुत इजी है, ये तो है कर लेते हैं। और 10-12 साल से यार भाई काम चल ही रहा है, वो तो है। और इतने पुराना करते करते ना अब थोड़ी बोरियत आ गई, तो पकड़ा है एवेंजर। और अच्छा है बाइक है तो उसके पास एवेंजर है हमारे पास, तो ये सारी चीजें हैं जो एवेंजर के लिए लगा रखी है। इससे पहले वेलकम टू दिस व्लॉग्स, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस बार है सौरभ भाई और वेलकम टू सन्स मोटर शॉप। इस बार क्योंकि यार पहले कपिल आता था, इस बार सौरभ भाई को मैंने कहा आप आने वाले वीडियो में, मजा नहीं आ रहा था। मेरे को बड़ी खुशी थी कि आज टिश्यू सैंस मोटरशॉप आया करोल बाग, और आज हम दोनों एक ही स्क्रीन के अंदर आपको दिखेंगे, और यहाँ पर हम बात करेंगे एवेंजर की अलग अलग तरीके के मॉडिफाइड प्रोडक्ट। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं करा तो वो भी कर दो यार, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कितना तो बनता ही है। बिल्कुल सब्सक्राइब करोगे तभी तो नई नई चीजें पता चलेंगी। तो अब शुरू कर, मेरे दोस्त ने ना जो बाइक ली थी वो उसने लिया 2014 मॉडल। भाई साहब को सीन ये है, कहते हैं यार मुझे थोड़ा हार्ले टाइप लुक दिखाना, बजट है नहीं, तो थोड़ा बताओ क्या क्या एक्सेसरीज तेरे लगा रखे, तो क्या है इनमें थोड़ा बताओ मुझे इन चीजों। अरे दिशु भाई यही होता है एक्चुअल में, क्या होता है कि यार हम जाते हैं मार्केट में और हम एवेंजर खरीद लेते हैं। अब एवेंजर खरीदने के बाद हमें उसमें ना फील नहीं आ रही होती है कि यार थोड़ा ना मेरे हिसाब से पर्सनलाइज नहीं हो रही, क्योंकि रॉयल एनफील्ड तो लोग लेते हैं, अलॉय लगवा लिया, लाइट लगवा ली, सब चीजें करवा ली, अपने हिसाब की हो गई। लेकिन हाईवे के ऊपर पूरी पूरी टक्कर देती है एवेंजर, 120 टॉप पे स्टेबल होके चलती है और बुलेट के बराबर चलती है। और उसी तर्ज में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो के अंदर अलॉय व्हील्स एवेंजर के, साइलेंसर, इंडिकेटर फ्लैश एंड हैजर्ड, एक हैंडल बार पे वॉच लगती है, और लिखा हुआ आपको 4-5 अलग अलग तरीके की हेडलाइट। मोटी मोटी सारी चीजें कवर हो जाती हैं, छोटी मोटी चीजें रह जाएंगी, जैसे कि सीट कैसी बन सकती है, सीट पर कवर क्या हो सकते हैं, हैंडल राइजर कौन से लगेंगे, हैंडल कौन से लगेंगे, वो हम नेक्स्ट टाइम अगर मोटा मोटा बोला जाए ना, एवेंजर को बुलेट वाला लुक देना भाई साहब, एवेंजर पूरी चेंज होने वाली है इस वीडियो के अंदर। बढ़िया है, ठीक है, चलो पता। चलो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर अलॉय व्हील्स है यहाँ मेरे पास, ये 20 वेव अलॉय व्हील है दोस्तों, और एवेंजर के अलॉय व्हील्स हैं, डायरेक्ट फिट हो जाते हैं सिंगल डिस्क एवेंजर पे, मजेदार फिटिंग है, अच्छी खासी लुक आती है और एक बहुत ही रोबस्ट अपील निकल के आती है एवेंजर पे। और ऐसा ही अलॉय व्हील एक और है हमारे पास यहाँ पे 9 स्पोक्स में क्रॉस पैटर्न में, तो ये क्रॉस पैटर्न में एवेंजर का अलॉय व्हील डायरेक्ट है, और ये जो गोल्डन इसके पॉइंट दिख रहे हैं ना, गोल्डन नट्स जो दिख रहे हैं, ये सिल्वर के साथ ऐसा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं यार मजा ही आ जाता है। और बाइक के अंदर भी अगर गोल्डन में कहीं पे टिंट होगा ना, तो वो इसके साथ मैच करेगा और बहुत बढ़िया लुक देगा। बट अगर मैं पर्सनली बोलूँ ना, इसके ऊपर मैं इसे प्रेफर करूंगा सच में भाई, ये 9 स्पोक्स जो क्रॉस हो गई है ना, ये हार्ले डेविडसन का डिजाइन है भाई, और एवेंजर जो है हार्ले से इंस्पायर हुई है, और इसलिए ये लग जाता है। और इसके बाद ट्यूबलेस टायर हो जाएंगे, पंचर की टेंशन हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए, राइड बिल्कुल कंफर्टेबल, हाईवे पे ले जाओ और उड़ाओ बाइक को। तो वही बात आ गई ना, मैंने तभी तो बोला ये इसलिए प्रेफर करूंगा, हार्ले का सीन आ गया बीच में, तो हार्ले का सीन अगर दिखाना है, लुक दिखानी है, तो ये प्रेफर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब अलॉय व्हील तो हो गए जी, ठीक है जी, टायर भी चढ़ गए, अलॉय भी चढ़ गए। अब अगली बात आती है, आवाज नहीं आ रही बाइक में से, मोड़ में कुछ बुलेट आवाज आ रही, डग 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 टोरा दिखाना है हमें, तो उसके लिए ये 4 साइलेंसर है यहाँ पे। तो बुलेट टाइप की अगर आवाज दिखानी है एवेंजर में, हमें थोड़ा लाउड एक अफेक्ट क्रिएट करना है, तो उसका अफेक्ट क्रिएट होता है ऐसे साइलेंसर का। तो सबसे पहले यहाँ पर है मेरे पास फैट बॉय साइलेंसर, जो रॉयल एनफील्ड पे भी लीगल एग्जॉस्ट है, मीडियम आवाज है, और एवेंजर पर भी बहुत ही स्मूथली जाता है। हार्ले टाइप डिजाइन कर रहे हैं आप भाई, तो इसी तरीके का लगाएं, क्योंकि 750 हार्ले पर भी ऐसा ही साइलेंसर आता है। लास्ट में आपको होल मिल जाते हैं, सिरेमिक होल है, लाइफ लॉन्ग गारंटी है, साइंस का ब्रांड है, आंख बंद करके लगाओ दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है, क्रोम ब्लैक डिजाइनर, हर तरीके की चीज मिल जाएगी। अब एक चीज मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा, लीगल का मतलब है पुलिस चालान नहीं काटेगी, क्योंकि आजकल यार मार्केट में चल रही है बहुत बातें कि यार ये इलीगल और लीगल का क्या मतलब है। मैंने कहा यार इस पे भी जरा ना थोड़ा क्लेरिफिकेशन दे दी जाए दोस्तों, लीगल और इलीगल के अंदर, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, कोई क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ बड़ा कॉमन सा है कि यार आवाज का जो डेसिबल लेवल है, आवाज जो है तेज है। अब एक्चुअल में क्या है कि मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ कि 85 डेसिबल से नीचे होनी चाहिए आवाज। साइलेंसर लगा लेते हैं मिनी पंजाब, लॉन्ग पंजाब, एवेंजर के अंदर भी, बुलेट के अंदर भी आवाज हो जाती है 100 डेसिबल के ऊपर। ये जितने भी साइलेंसर अब हम आपको दिखाने वाले हैं, इनमें फैट बॉय हमने जो दिखाया जस्ट अभी अभी, 85 डेसिबल की आवाज नीचे है, और आराम से आप उसको बाइक पर चलाओ, कोई टेंशन नहीं है। इसी के अंदर डीबी किलर भी आ जाएगा आने वाले दिनों में, आवाज और दबा देंगे, डीबी किलर हटा दो आवाज लाउड हो जाएगी।
तो ये है सारा टेंशन, सारा का सारा कलेज जो है लीगल का जो क्वेश्चन चल रहा है। ओके तो खैर हम इस वीडियो में बात करते हैं खाली एवेंजर्स की। तो एवेंजर का ये पहला साइलेंसर देखा आपने, फैट बॉय। अब मैं दिखाऊंगा आपको दूसरा। बहुत सारे लोगों की ना ये लाइकनेस रहती है कि डबल बैरल होना चाहिए, कुछ ऐसे दो पाइप निकल रहे हो, दोनों में से हवा निकल रही हो, मजा आ जाए। तो ये है भाई दिशु भाई, पहले आप बताओ कैसा लगा? बड़ा सही, मतलब अगर मैं वो हार्ड अटैक लुक बनाना चाहूँ डबल बैरल वालों हो गया बस। तो ये आपको एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की लुक दे देता है, एक स्ट्रीमलाइन लुक देता है। आपकी बाइक थोड़ी सी लंबी लगती है, एवेंजर वैसी एक लंबी बाइक है और ऐसा लगता है कि यार दो तीन इंच और लंबी हो गई है। और जो इसके दो पाइप देख रहे हैं ना दोस्तों आप, दोनों में से हवा निकलती है, ऐसा नहीं कि ये डमी है, दोनों में से हवा निकलेगी। सिरेमिक वूल है, डिजाइनर है, मस्ती से लगाओ, करना कुछ नहीं है। यहाँ से पाइप आ रहा है बाइक से, साइलेंसर काटेंगे, इसको लगाएंगे कॉलर बेल्ट करके और साइलेंसर बिल्कुल फिट हो जाएगा बिना किसी टेंशन, कोई दिक्कत नहीं होती। ये कई लोग कहते हैं कि यार हमारी बाइक की वारंटी खराब हो रही है साइलेंसर लगवाने से, तो कुछ भी नहीं होता है, वारंटी वगैरह पे कोई इतना इफेक्ट नहीं। देखो जी बाइक की अगर पुरानी लिया है तो वारंटी तो है ही नहीं ना, बात उसकी हो रही है। और अगर नई बाइक की बात कर लेते हैं तो नई बाइक के लिए बैंड पाइप मिल जाएगा, नया बैंड पाइप और नया ओरिजिनल साइलेंसर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं हो रही। तीसरा आप साइलेंसर हमारा अगला देख लो जी, कैनन है हमारे पास यहाँ पे, काफी भारी साइलेंसर है, 5 किलो का एक्सपोज है। मैं चाहूंगा कि रिएक्शन दे दिशु इसको पकड़ने के बाद। तो ये 5 किलो का साइलेंसर, बाइक की बॉडी बन जाएगी इसी तरीके से, यही आते रहेंगे और यही बॉडी बनाते रहेंगे, ऐसा ही साइलेंसर लग जाएगा एवेंजर पे। और हीट शील्ड यहाँ पे मिल जाती है, एल्यूमिनियम की है, बाई चांस पैर लग जाए, हाथ लग जाए बच्चे का, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा, ठंडी रहेगी, सेफ्टी रहेगी। डिजाइनर लुक मिल गई, ये सारा एल्यूमिनियम है, यहाँ पर आपको दिखेगा राइट मास्टर कैनन, इस तरीके से फिट हो जाएगा और जबरदस्त लुक आ जाएगी एवेंजर पे। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारा कैनन। अब लास्ट में बात करते हैं कोबरा मल्टीवेंड प्रीमियम की। तो ये है वो साइलेंसर जो आज की डेट में एवेंजर पे ना दिलों की धड़कन बनी हुई है सबकी, इसको लगाती है ना ऐसी लुक आती है बाइक की, यार ऐसा लगता है कि इसमें बैगर टाइप सी या क्रूजर टाइप सी बाइक जा रही है। कोबरा नाम से तो मुझे कुछ याद आ रहा है, क्या है? हार्ले डेविडसन कोबरा। हाँ, तो ये वहीं से इंस्पायर हुए सारे के सारे नाम, क्योंकि कैनन, राइड मास्टर, कोबरा, बैगर, ये सब जो नाम है, फैट बॉय, सब हार्ले से इंस्पायर है, क्योंकि लुक ही वैसी बना रहे हैं जब हम, तो इसी तरीके की चीज लगेगी। तो ये है वो साइलेंसर जो एवेंजर पे डायरेक्ट लग जाता है, उसमें भी हीट शील्ड आ जाती है, क्लैंप आ जाएंगे अच्छे से, टाइट हो जाएगा, पीछे बेल्ट हो जाएगा, बिना किसी टेंशन के काम सारा का सारा सेट हो जाएगा। ठीक है, अगली अपना एक इंडिकेटर के लिए भी बताओ, मतलब हार्डले में देखा है कि भाई साहब बाइक बगा रहे हैं रोड पे, पीछे इंडिकेटर फ्लैश मस्त जल रहे हैं, इसका कुछ एवेंजर के लिए? हाईवे पे क्या होता है, हाईवे पे जब बाइक निकलती है ना तो आप दूर से देखते हैं इंडिकेटर ना इस तरीके से फ्लैश हो जाए, दो बार ये, दो बार ये, थोड़ा ना राइडर फील आती है कि यार राइडर आ रहा है कोई पक्का। दोस्तों राइड यार, जब बाइक ही हाईवे पे चल रही है तो राइडर ही पहुंचेंगे हाईवे पे, और जब हाईवे पे पहुंच ही गए हो तो फिर वहां पर आपकी विजिबिलिटी बहुत जरूरी है, विजिबिलिटी होगी तो एक्सीडेंट से बचोगे और ब्राइटनेस होगी तो बाइक भी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। तो हैजर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेरे पास सिंटेक का हैजर्ड है, ऐसे ही मेरे पास एक स्पीड वेव का भी हैजर्ड है। सैंस मोटर शॉप हमारे स्टोर पे ना काफी सारी चीजें मिलती है, हर एक बजट के लिए हमारे पास चीजें हैं। फ्लैशर की अगर मैं बात करूं ना रिशु भाई, 350 रुपए से स्टार्ट है, बस 350 से स्टार्ट है, क्वालिटी की बात है, ऊपर तक जाते रहो आपको गारंटी हमें मिलती रहेगी। और अब ये जो प्रोडक्ट है ये 1 साल की गारंटी के साथ है, कपलर टू कपलर फिटिंग है, मेन वायरिंग में अटैच हो गया, साथ में एक बटन है, एक बटन लगा दिया, बटन ऑन किया, इंडिकेटर फ्लैश होना स्टार्ट हो गया, 1 साल की गारंटी है, खराब हुआ नया मिल जाएगा। ये भी कोई दिक्कत नहीं है आपको कि यार आप दिल्ली में नहीं हो तो कहीं और नहीं पहुंच सकता, हर जगह डिलीवरी आराम से अवेलेबल होती है। ऑल ओवर इंडिया ही हमारी पहचान थी, ये एक फैसिलिटी जो हमने पहले दिन से दी है ना पैन इंडिया डिलीवरी की। और दोस्तों वो फ्री होम डिलीवरी है, माइंडेड, वो फ्री होम डिलीवरी है, आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, प्राइस ही आपको वही बता जाएगा जो कि ऑल इंक्लूसिव होगा। क्योंकि अभी 4 दिन पहले अभी पिछला वीडियो डाला था जो हमारे सन स्टूडियो आपको, उसमें 2-4 बंदों का मेरे पास आया कि यार ये पुणे में कोई शॉप मिलेगा कैसे। मैंने कहा यार एक काम करो, भाई से बात करो, वो तुम्हें पूरा बताएंगे कि कैसे रहने वाले, डिलीवर करा देंगे तुम्हें। दोस्तों दिशु ब्लॉग्स के सभी वीडियोस पे ना नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस और मोबाइल नंबर है, आपको कुछ नहीं करना, उस मोबाइल नंबर पर जरा व्हाट्सएप डालो अपनी क्वेरी, वहाँ पे आप कमेंट लिखो, भाई को अप्रिशिएट करो, भाई कैसा वीडियो बना रहा है इन्हें बताओ, इन्हें आइडिया दो कि आगे क्या करें। भाई तो प्रोडक्ट की क्वेरी है तो वहाँ पर एक नंबर है, उस पर मैसेज डाल दो, देर सवेर हो सकती है लेकिन रिप्लाई जरूर आएगा और प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। अगला इसी बात पे सामान क्या है हमारा, तो इसी बात पे थे हम, इंडिकेटर की बात कर रहे थे भैया, फ्लैशर तो हो गए लग गए, लेकिन उसमें लगा हुआ हैलोजन का बल्ब, अब वो धीरे धीरे जगबुक चल रहा है, ठीक है, जगबुक नहीं, जगमग हो रहा है, तो धीरे धीरे जगमग हो रहा है, उसको दूर करने के लिए लगाए जाते हैं इस तरीके के इंडिकेटर बल्ब। ये पैक हो रखे हैं, 4 पीस का बल्ब है,
चार पीस का एक सेट है, 360 डिग्री बल्ब है, सामने भी लाइट दिखेगी चारों तरफ भी दिखेगी और इंडिकेटर की ब्राइटनेस 5 टाइम्स हो जाएगी दोस्तों, मतलब 5 गुना। जैसे आजकल सर्दियां चल रही हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है इसका, मतलब ये क्योंकि यार बहुत एक्सीडेंट होते हैं यार, जितने राइडर निकलते हैं आधे आधे में एक्सीडेंट हो ही जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है आपकी बाइक के लिए कि इसी से तो बाइक दिखेगी और इसी से हमारा शौक पूरा होगा लाइटनिंग का भी, क्योंकि हेडलाइट फॉग लाइट तो लगा ली, इंडिकेटर भी चमक जाएगा, और जैसे ही आप इंडिकेटर दोगे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, इंडिकेटर ऑफ करोगे हैजर्ड दोबारा ऑन हो जाएगा, 1 साल की गारंटी है। आराम से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो सीधा सैंस मोटरशॉप स्टोर पे आ जाओ, फिट करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नीचे दिया हुआ उस पर रीच आउट कर लो, क्या दिक्कत है। बिल्कुल, और इस बार स्पेशल हो रहा है इस वीडियो में, भाई का नाम लोगे 10% फालतू लेंगे, थोड़ा प्यार है ना इन्हें भी बांटेंगे, खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, इनका नाम लेंगे तो 15% डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा, सभी के सभी प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ा दी जाएंगे फिर कम कर दी जाएंगे तो ये सब चीजें चलती रहेंगी दोस्तों। प्राइस तो देखो ऐसा है यार, होलसेल की शॉप है ठीक है जी, रिटेल अभी अभी स्टार्ट किया, प्राइस तो आपको बेस्ट मिलेंगे पूरे इंडिया में, क्या पूरे दिल्ली में कहीं भी ट्राई कर लेना, चीज में कोई कमी निकल जाए रेट में कोई गलती हो जाए हमें बता देना ठीक कर देंगे, बाकी तो हम अपने आप पे श्योर हैं। बात तो यही है ठीक है ना जी। जाते जाते अब क्या करा जाए भाई, जाते जाते तो मैं चाहूंगा कि सभी जितने भी प्रोडक्ट्स आपने देखे दोस्तों नीचे बता देना फीडबैक सेक्शन में कैसे लगे, कैसे लगे, एक बढ़िया सा लाइक कर दो वीडियो को, नीचे कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और भाई ने भाई के चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, एक इन्होंने ना एक क्या कहते हैं उसको बीड़ा उठाया हुआ है, 30 डेज में 30 व्लॉग्स लाएंगे भाई साहब, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं, ऐसा होता नहीं आमतौर पर, 5-6 दिन तो इन्हें हो गए हैं, मैं चाहूंगा कि मेरी एप्रिसिएशन